पूरा केस डिस्कस करने वाला हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के 6 महीने के रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स मेरे नीचे कमेंट किया करते हैं कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के पहले की फोटो शो करिए, एटलीस्ट वो देखना चाहते हैं कि मेरे ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कैसी कंडीशन थी। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद तो आप अभी देख पा रहे होंगे, मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख रहे होंगे, मैं रिजल्ट शो करता हूँ, लेकिन वो चाह रहे हैं देखना कि ट्रांसप्लांट से पहले मेरी कैसी कंडीशन थी। तो आज की इस वीडियो में आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का और अभी का पूरा केस डिस्कस करने वाला हूँ वॉइस ओवर के थ्रू। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और आपको वीडियो डिटेल के थ्रू देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलाऊं डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। सो गाइस, ये फोटोज़ हैं जो कंसल्टेशन के दौरान मेरी खींची गई थी। ये फोटो बेसिकली ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले की फ़ोटोज़ हैं, डॉक्टर ने खुद ही क्लिक करी थी मेरी फ़ोटोज़। इसमें आप मेरा बॉल्डनेस लेवल देख पा रहे होंगे, बॉल्डनेस लेवल 3rd grade का था। फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, कॉर्नर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुके थे और जो स्कैल्प में डेंसिटी थी वो भी कम थी। अब जस्ट आफ्टर सर्जरी की हम बात करें तो सर्जरी के बाद मेरे को 3000 ग्राफ्ट लगाए गए। हेयर लाइन का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, एम शेप का डिज़ाइन है। इररेगुलर हेयर लाइन बनाई गई ताकि लुक ज़्यादा नेचुरल आए, आप देख पा रहे होंगे। प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें। डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई थी। आफ्टर द 3 days स्वेलिंग फेज जब आता है, स्वेलिंग में अंडराइज मेरी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी नोज से। ये बेसिकली फोरहेड से नीचे जाते जाते अंडराइज, अंडराइज से नीचे जाके थोड़ा तुम्हारा चिक पे आ जाती है एंड 5 to 6 days में ये स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इस स्वेलिंग फेज में आपके घर वाले का रिएक्शन थोड़ा डरावना हो सकता है। मैं बात करते हैं फर्स्ट वॉश आफ्टर। जब मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया तो क्लाफ्स जो ग्राफ्ट के क्लॉटिंग थी वो सारी रिमूव कर दी थी। इसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप देख पा रहे होंगे मेरी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही थी। डेंसिटी बेसिकली ऐसी ही आने वाली थी तो एक अंदाज़ा मिल गया था। और एक कहते हैं ना, चेहरे में मुस्कान जो आपको दिख रही होगी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो चुका था। अब बात करते हैं शेडिंग फेस के बारे में। जो आपने मुस्कान देखी थी अब वो जाने का वक्त आ चुका था क्योंकि जो बाल लगाए गए थे वो झड़ने स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शेडिंग फेस आता है आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जो न्यू ग्राफ्ट होते हैं वो चले जाते हैं, उनके बाद उनका नए से दोबारा से फॉर्मेशन होता है, वो दोबारा से ग्राफ्ट्स आते हैं जो लगाए जाते हैं। आप कॉर्नर देख पा रहे होंगे मेरे, इस जगह में ट्रांसप्लांट हुआ था। और शेडिंग फेस के बाद बेसिकली थोड़ा डीमोटिवेशन फील होता है आपको। आपका जो जिनको पता होगा आपने ट्रांसप्लांट कराया, उनके कमेंट्स कुछ लगभग ऐसे होते हैं कि तूने क्यों करवा लिया, तेरे बाल तो झड़ गए, जो लगाए गए थे 10-15 दिन रहे फिर झड़ गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रांसप्लांट से गुजर रहे हो तो शेडिंग फेज आना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसप्लांटेशन में। ये वेरी करता है, किसी का 50% झड़ता है, किसी का 90% झड़ता है, किसी का सिर्फ 10% बाल झड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब बात करते हैं 3 महीने के रिजल्ट के बारे में। 3 महीने का रिजल्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, आप देख पा रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी फास्ट इस बंदे का रिजल्ट आया है, तो देखिए रिजल्ट आना भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार ये बात बता चुका हूँ, किसी का जल्दी रिजल्ट आता है, किसी का लेट रिजल्ट आता है, किसी का ये जो मेरा रिजल्ट देख रहे हो ये 3 महीने का है। लेकिन आप कभी नोटिस करोगे कि ऐसा ही रिजल्ट कहीं होगा 6 महीने में आता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है रिजल्ट को। तो मैं 22 year old हूँ, कहा जाता है कि 22 year old में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है स्कैल्प पे, तो उस वजह से रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा थे। एंड मेरी PRP ड्यूरिंग द प्रोसीजर ही लग गई थी। काफ़ी क्लिनिक्स में आफ्टर 45 days या 15 days PRP लगती है, लेकिन मेरा उसी ही दिन PRP एक लग चुका था। तो रिजल्ट मेरा, आई वॉज़ हैप्पी विद माई रिजल्ट। 3 month की बात करें तो हेयर लाइन बननी स्टार्ट हो चुकी थी एंड आई स्टार्टेड टू यू नो गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद रिजल्ट बेसिकली आना असली तब चालू हुआ जब 4 month लगा। और 6 month के रिजल्ट की हम बात करें तो 6 month में मेरा लगभग 75% रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले डाल चुकी है 6 month की रिजल्ट की, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिजल्ट कैसे आता है और क्या है। आप आई बटन में उस वीडियो की लिंक देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ उस वीडियो का लिंक। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है अपना 6 month का रिजल्ट और काफ़ी अच्छे से दिखाया है। बाकी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे मेरी फ्रंटल हेयर लाइन पूरी बन चुकी है, मैं कॉम करके भी आपको शो कर रहा हूँ। 3000 ग्राफ्ट जब मैं स्टार्टिंग में लगाए थे, मैं वीडियोस बनाया करता था, तो काफ़ी लोग बोलते थे ये 3000 ग्राफ्ट नहीं है, इस एरिया में 3000 ग्राफ्ट लग ही नहीं सकते। सो आप रिजल्ट आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बातों का भी योगदान है, क्योंकि 3000 ग्राफ्ट इस एरिया में लगना ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा ही आनी थी।
और मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई डॉक्टर, उन्होंने इस तरह से ग्राफ का प्लेसमेंट किया कि जो डेंसिटी हो वो बिल्कुल नेचुरल लगे। और हेयर लाइन में प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप मैं पुरानी वीडियोज में बता चुका हूँ। जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हो मेरी नेचुरल हेयर लाइन आई है, उसमें प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। आप पास से देख लीजिए, मेरी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है। एंड जिनको पता नहीं है मैंने ट्रांसप्लांट कराया, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि मैंने ट्रांसप्लांट भी कराया है, उनको बिल्कुल नेचुरल हेयर लगते हैं। ऑब्वियसली नेचुरल हेयर्स ही हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं जिसमें लुक आर्टिफिशियल आता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाउ आई यूज टू लुक बिफोर माय हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सो आज की वीडियो में दिखाने की कोशिश करी थी कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आया करते थे कि आप एटलीस्ट फोटो शो करिए। एक्चुअली मैंने पुरानी वीडियोज़ में शो करी थी, लेकिन लगता है उन व्यूवर्स ने वो फोटोज़ देख नहीं पाए। तो आज की वीडियो मैंने आपको फोटोज़ दिखाई और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।